सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आप सभी को ध्यान होगा, अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने हमेशा की तरह एक झूठा दावा करते हुए ये कहा कि भारत LOC के पार उनके सिविलियंस को टारगेट करने के लिए क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक क्लस्टर बॉम्ब होता क्या है और इसका इस्तेमाल करना कितना घातक साबित हो सकता है? और इसीलिए आज के एपिसोड में हम आपको इसी क्लस्टर बॉम्ब से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। क्लस्टर बॉम्ब एक बहुत ही खास तरह का एक्सप्लोजिव वेपन है जिसे एयरक्राफ्ट की मदद से हवा से ड्रॉप करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है और किसी ग्राउंड लॉन्चर की मदद से भी, और इसे क्लस्टर म्यूनिशन भी कहा जाता है। और ये एक ऐसा वेपन है जिसे छोटे छोटे सबम्यूनिशंस के कॉम्बिनेशन के साथ बनाया जाता है, यानी कि जब ये बॉम्ब फटता है तो इसके अंदर से कई सारे छोटे छोटे विस्फोटक निकलते हैं जो कि अपने निर्धारित लक्ष्य को तो तहस नहस करते ही हैं, साथ ही उसके पास जो चीजें होती हैं उन्हें भी वे पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि इस बॉम्ब की जो मेन बॉडी है उसके फटने के बाद उसके आसपास गिरने वाले इसके अंदर के छोटे छोटे विस्फोटक काफी लंबे समय तक पड़े रह सकते हैं, यानी कि ये बात के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। और इसका इस्तेमाल खास तौर पर दुश्मन के व्हीकल्स और उसकी सेना को तबाह करने के लिए किया जाता है। और कुछ क्लस्टर म्यूनिशंस का इस्तेमाल रनवेज, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन लाइंस को तबाह करने के साथ साथ या किसी केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को डिस्पर्स करने के लिए या फिर लैंडमाइंस को स्कैटर करने के लिए भी किया जाता है। और इन बॉम्ब्स का इस्तेमाल करना खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि ये एक बहुत बड़े क्षेत्र में नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो क्लस्टर बॉम्ब अपने आप में ही कई सारे छोटे छोटे बमों का एक समूह होता है और ये जिस भी इलाके में गिरता है वहाँ पर जबरदस्त तबाही मचाता है। और इस बॉम्ब के चपेट में आने वाले इलाके में मौजूदा लोगों की मौत हो जाती है या फिर वे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और जब इस क्लस्टर बॉम्ब को दागा जाता है तो वो जमीन से 1000 मीटर से लेकर 100 मीटर की ऊंचाई पर होता है, तो बहुत बड़े इलाके को अपने दायरे में ले लेता है। और अपने अंदर के छोटे छोटे सबम्यूनिशंस को रिलीज करने से पहले ये बॉम्ब करीब 9 माइल्स की दूरी तक उड़ान भरता है। और इस बॉम्ब का इस्तेमाल सबसे पहले जर्मनी और रशिया की सेना ने किया था और अभी तक 200 प्रकार के क्लस्टर बॉम्ब्स बनाए जा चुके हैं जो कि बहुत ज्यादा घातक हैं। और इस बॉम्ब की एक खास बात ये भी है कि अगर इसे आर्टिलरी की शेल्स या फिर रॉकेट के जरिए इस्तेमाल किया जाए तो ये एक बहुत बड़े क्षेत्र में अलग अलग जगह पर बमबारी कर सकते हैं। और एक नॉर्मल क्लस्टर बॉम्ब के अंदर करीब 600 छोटे छोटे बॉम्ब्स हो सकते हैं और इनमें से जो नहीं फट पाते हैं वे माइंस की तरह हमेशा जमीन पर पड़े रहते हैं जिनसे हमेशा खतरा बना रहता है। और पिछले कुछ समय में इन बॉम्ब्स रिलेटेड कुछ घटनाएं ऐसी भी सामने आई थी जिसमें करीब 10-40% बॉम्ब्स नाकाम हो गए थे। और इसमें नाकाम होने का मतलब है कि इस क्लस्टर बॉम्ब के अंदर जो छोटे छोटे बॉम्ब होते हैं वे नहीं फटे थे और वे बड़े इलाके में इधर उधर लैंडमाइन के तौर पर गिर पड़े थे। और सन 2017 में इन क्लस्टर बॉम्ब्स की मॉनिटरिंग करने वाली एक संस्था ने रिपोर्ट जारी करके बताया था कि सन 1990 से क्लस्टर वेपन से मरने वालों की संख्या करीब 21,200 रही है और इनमें से ज्यादातर आम नागरिक थे। और इन्हीं सब घटनाओं को देखते हुए मई 2008 में एक जिनेवा समझौते के तहत इन क्लस्टर बॉम्ब्स का उत्पादन या फिर इनके इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन ये प्रतिबंध के बावजूद भी कई सारे देश और उनकी सेनाओं पर इसके इस्तेमाल करने के आरोप लगते रहते हैं। और 1 अप्रैल 2018 तक टोटल 120 देश इस क्लस्टर बॉम्ब को लेकर किए गए जिनेवा समझौते को ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका, चाइना, रशिया, ब्राजील, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, इसराइल, ग्रीस, मिस्र और ईरान जैसे देश अभी भी इस समझौते से बाहर हैं, यानी कि उन्होंने अभी तक इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और अमेरिका का तो ये कहना है कि क्लस्टर बॉम्ब्स एक लीगल वेपन है और वे इसे अपने मिलिट्री में इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही अमेरिका के मुताबिक अन्य वेपन्स की तुलना में क्लस्टर बॉम्ब सिविलियंस के लिए कम हानिकारक हैं। और जहां तक बात है भारत और पाकिस्तान की तो इन दोनों ही देशों ने क्लस्टर बॉम्ब्स का उत्पादन भी किया है और ये इनके स्टॉकपाइल में भी मौजूद है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।